नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, मूविंग एवरेज की मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है, तो ये दूसरी वीडियो हमारी है सीक्रेट ऑफ मूविंग एवरेज की। उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उसको देख लिया होगा। मैंने उसके प्रैक्टिकल भी आप लोग को बता दिए हैं, कुछ आगे के एग्जाम्पल भी मैंने उसको बता दिए कि किस स्टॉक्स में ये आगे बन रहा है। तो आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मूविंग एवरेज का दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरह से है। तो पहले मैं उसको आज आपको मैं बोर्ड पर बताऊंगा, जिससे देखिए एक ही चीज को जब हम कई बार रिपीट करते हैं ना, तो वो चीजें हमारे जहन में बस जाती है, यानी हमारी यादों में बसने लगती हैं। तो आप पहले हम उसको बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड के बाद जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसको मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, यानी अपने टर्मिनल पे जाके उसको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, और फिर उसके लिए प्रैक्टिकल आपके लिए उसके आगे होगा। तो पहले आज हम इसको बोर्ड पे समझते हैं कि किस तरह से वो बनना चाहिए। आपको उस तरह से ढूंढना है और ढूंढ करके वो कमेंट करके मुझे अपने मेरे जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल के नीचे आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अपने स्टॉक्स बताने हैं। तो वो स्टॉक्स का भी रिव्यू मैं कर दूंगा, और जो नए मैं जो चार्ट पे समझाऊंगा वो भी आपको प्रॉपर उस तरीके से वहां पे बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो पहली वीडियो है वो आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए, अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। तो देखिए, आज का जो दूसरा मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, जैसे हम मान लीजिए कि ये स्टॉक चल रहा है धीरे धीरे करके, ये स्टॉक हमारा ऊपर नीचे करके यहाँ पे ये चल रहा है। हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना दिया कि ये स्टॉक हमारा इस तरह से ऊपर नीचे करके चल रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, और ये हमारा ऐसे चल रहा है, और ये जो हमारा मान लीजिए 200 का मूविंग एवरेज है, ये हमारा मूविंग एवरेज ऐसे आ रहा, और यहां पे ये इसको क्रॉस कर गया। ये हमारा 200 डीएमए, मान लीजिए ये हमारा 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है, एसएमए यानी डीएमए, मतलब 200 दिन का ये मूविंग एवरेज है। कोई स्टॉक ऐसे आ गया, आके निकल गया, और निकलने के बाद ये मान लीजिए बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऐसे निकल गया, दिख रहा है यहां पे ऐसे निकल चुका है। जो निकल चुका है तो जान लीजिए उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, वो स्टॉक्स निकल गया ऊपर की तरफ, हमें जाने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स निकल गया तो उसको निकल जाने दीजिए। यहां से मान लीजिए वो स्टॉक निकल गया, अब हमें वेट क्या करना है, हमें वेट ये करना है कि ये स्टॉक्स जो कंटिन्यू मूविंग एवरेज के पास से कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल गया, अब वो स्टॉक गिरने के बाद क्या हो, ऐसे गिरते हुए आए, बोर्ड में दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा, तो ऐसे ही गिरते हुए आया है। और जो ये हमारा मूविंग एवरेज है ना, ये देखिए ये मूविंग एवरेज हमारा जो गया है, इस मूविंग एवरेज के पास इससे नीचे आ जाए, पहले ये ऊपर चला जाए, या ऊपर पहले से, या ऊपर कितने दिनों से ट्रेड कर रहा हमें नहीं पता। देखिए दो कंडीशन बनेगी, या तो वो ये नीचे से ऊपर जाएगा और इस मूविंग एवरेज को फटाफट क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, हमें कहीं एंट्री इसमें नहीं मिलेगी इस स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा, अब यहां पर ये आया, अब यहां पर आने के बाद हमें यह देखना है कि हमारे मूविंग एवरेज के पास, पहले में कॉन्सेप्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स निकले, थोड़ा सा ऊपर जाए और इसके ऊपर ही ट्रेड करे। अभी हमें क्या है, ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक्स नीचे से ऊपर जाए, पहले वाले में हमारा क्या था कि नीचे से ऊपर जा रहा तो हम वेट कर रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि ये नीचे से ऊपर जाए, हो सकता है स्टॉक 2 महीने 4 महीने से कंटिन्यू ऊपर ही हो, हमारे 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, और वो स्टॉक नीचे की तरफ मान लीजिए यहां पर आया, अब यहां पर आने के बाद वो कम से कम 4 दिन इसी रेंज पे ट्रेड करना चाहिए, कम से कम 4 दिन इसी मूविंग एवरेज से, इसके नीचे की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर नहीं, इस मूविंग एवरेज के नीचे आसपास में, जैसे मान लीजिए कि इस मूविंग एवरेज का प्राइस मान लीजिए 198 है, तो 198 के बाद ये क्या होना चाहिए, ये मान लीजिए 190 से लेकर के 198 के बीच में कहीं ना कहीं जो 3 से 4% का मूव होता है, उस दायरे के अंदर में ही जाके वहां पर वो ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इस मूविंग एवरेज के पास में कंटिन्यू ये ट्रेड करना चाहिए, और वापस जब इसको ट्रेड करने के बाद ये 200 को क्रॉस करेगा तब हम इसको फिर बाइंग करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था कि कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाए और यहीं पे होल्ड कर जाए फिर हम बाइंग कर रहे थे, यहां पे क्या है कि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये नीचे से भी, जैसे इस एग्जांपल में हमने ये समझा कि ये स्टॉक नीचे से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, हमारे 200 जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करने लगा, कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन इसके नीचे ट्रेड करने लगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, जिस दिन उस मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिखेगा मैं उस दिन बाइंग कर लूंगा, या फिर ये जो रेंज बनी होगी इस रेंज के ऊपर भी ट्रेड करने लगे, तो अगर हम थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं तो इस रेंज के ऊपर भी जाके हम बाइंग कर सकते हैं, और इस रेंज का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए एक सिचुएशन ये बनेगी, दूसरी सिचुएशन में क्या समझा रहा था,
कि मुझे लग रहा ब्लैक अच्छा दिख रहा है तो ब्लैक से करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई स्टॉक्स है, कोई स्टॉक्स हम इसको ब्लैक से बना दे रहे हैं क्योंकि कोई स्टॉक्स कब से ऊपर है, 2 महीने से 3 महीने 4 महीने 5 महीने से हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा, अब वो धीरे धीरे हमारे मूविंग एवरेज के पास में आ रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा और ये हमारा मूविंग एवरेज, मान लिया कि ये हमारा मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज, यहां पे हमारा ये मूविंग, जहां पे मूविंग एवरेज आया ये आया और इसने हमारे इस मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करके ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है, इसी के आसपास में, ये मिनिमम 4 दिन की बात कर रहा, मैक्सिमम वो 5 दिन 10 दिन 8 दिन 20 दिन कई भी दिन हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 4 दिन हमारे मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड करने के साथ में एक रेंज बनाए, एक क्या बनाए, एक रेंज बनाए, जैसे ये हमारा मूविंग एवरेज के आसपास चलता रहेगा फिर से। और फिर जैसे ही इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही वो स्टॉक्स निकलेगा हमारी बाइंग हो जाएगी, उस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा, जो ये लो होगा, मान लीजिए वो ये लो अगर 97 का है तो हमारा एसएल हो जाएगा 96 का, और हमारा ये बाइंग यहां पे बाइंग हो जाएगा हमारा इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के साथ में ही। कंडीशन ये है कि अगर कोई स्टॉक 4 महीने 5 महीने 6 महीने 10 महीने से अगर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है हमारे मूविंग एवरेज के तो हमारे मूविंग एवरेज से नीचे आएगा, लेकिन हमारे मूविंग एवरेज जो 200 का हमारा मूविंग एवरेज उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यह ध्यान रखना है, उसके आसपास आके उसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, उसके आसपास आके रुक गया और रुकने के साथ में जब फिर से मोमेंटम स्टार्ट होगा तो फिर वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये फॉल्स ब्रेकडाउन की टाइप, जैसे लोग 200 डीएमए के फॉल्स ब्रेकडाउन ढूंढते हैं ना, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन यहां पे करेगा लेकिन वापस ये ऊपर की तरफ निकलेगा और उतनी ही तेजी से वापस फिर से ये ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा करेगा, तो इसको नजर बना के रखिएगा। ऐसे स्टॉक्स ढूंढ करके आपको मुझे भेजना है। देखिए मैं पहले समझा दूं, एक तो ये था कि कोई स्टॉक्स कितने दिन से ऊपर मूविंग रहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, गया और नीचे जाके वापस नीचे आया और नीचे आने के बाद हमारे मूविंग एवरेज के नीचे, ऊपर नहीं, मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और वापस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम उसमें आएगा। दूसरा ये था कि नीचे से ऊपर गया हो कोई स्टॉक्स, ये तो ऊपर से नीचे आ गया मान लीजिए, अब इसी कंडीशन में इसमें 2 सिचुएशन बनेगी, आपको सिचुएशन सही तरह से समझनी और ढूंढनी है, ये काम आपका है। देखिए आइडियल को ट्रेड करना है, वो कैसे आएगा आप जब चार्ट पे हम देखेंगे तो सारी चीजें बताऊंगा। दूसरा क्या मैंने बताया कि कोई स्टॉक मान लीजिए ऐसे गया, ये चला गया, कोई स्टॉक मान लीजिए ऐसे जा रहा ऊपर की साइड में जा रहा, ये ऊपर की साइड में 200 यहां पे है एक्सपोनेंशियल जो मूविंग जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहां पे है, इसने इसको क्रॉस किया और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू बहुत फास्ट ऊपर गया और उतनी ही तेजी से नीचे आया, लेकिन मूविंग एवरेज के पास में फिर से ये कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगेगा, तब हमारा इसमें ट्रेड बनेगा। कब? जब वापस इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तब इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तब। ये किस कंडीशन में? जब नीचे से ऊपर गया, और ये जो ऊपर गया हो ना, ये कम से कम 2 बार इस जगह से जाके आया हो, मतलब मूविंग एवरेज के पास में कम से कम 2 बार टच किया हो, जैसे ऐसे गया हो, ये एक बार पहले गया हो लेकिन ऊपर क्रॉस ना कर पाया हो, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने क्रॉस किया लेकिन वन वे वो ऊपर चला गया। देखिए क्रॉस किया और रुकेगा तो हमारी पहले वाला जो मूविंग एवरेज है उसमें वो मिल जाएगा, क्रॉस किया नहीं मिला ऊपर चला गया और वापस नीचे आया, तब के लिए हमारे पास ये सिचुएशन है। तो 2 कंडीशन में ये बनेगा, एक स्टॉक्स कोई 4 महीने 5 महीने से ऊपर है उसमें, और एक नीचे से ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, लेकिन मूविंग इस दोनों ही कॉन्सेप्ट में मूविंग एवरेज के नीचे उसको ट्रेड करना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, और मिनिमम 4 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ही वो स्टॉक्स होना चाहिए तभी वो हमारी कंडीशन में फुलफिल बैठेगा। अब ऐसे स्टॉक्स ढूंढ करके आप लोग को इस वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करके बताना है, फिर मैं आगे की जो वीडियो इसकी बनाऊंगा तो वो चार्ट पे बताऊंगा। और मैंने एक बेहतरीन ट्रेड इसी स्टॉक्स में लिया था, अगर कोई ढूंढ पाए तो उसको ढूंढ लेना, वो ऐसे है, वो कंपनी का नाम ऐसे है, अभी मैंने करीब मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले मुझे वो ट्रेड मिला था, बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला था, वन वे वो ट्रेड किया, 10-12 कैंडल तो बिल्कुल ग्रीन ही है, रेड बनी ही नहीं है, तो बहुत अच्छा मुझे वो ट्रेड मिला था। ऐसे अगर 2-4 ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ढूंढना है, ट्रेड करना है कंटिन्यू, छोटी छोटी क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बिलीव आएगा, अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करते हैं तो आपको बिलीव नहीं आएगा। दूसरी चीज है, मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप
डेली ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंट्राडे नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, डेली चार्ट पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम अपने पैसे को 4 से 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए और एक कॉन्सेप्ट पे पूरा ट्रेड लीजिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। 10 कॉन्सेप्ट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप सक्सेसफुल यहां पे नहीं होंगे। तो हमेशा किसी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, पहले ये देखिए कि आपके लिए क्या सही है। जैसे क्रिकेट में सबके लिए हर शॉट सही नहीं होता है, सब हर शॉट खेल लेते हैं लेकिन कोई किसी का एक फेवरेट शॉट होता है, तो आपको भी अपनी एक फेवरेट स्ट्रेटजी ढूंढ के पहले निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ढूंढ के वो कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा जो आपके लिए बेस्ट है। ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये आपको अपनी प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके वो स्टॉक का नाम आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बताया था तो मैं भी उसको चार्ट पे देख के आप लोग को बता दूंगा कि इन्होंने सही सिलेक्शन किया है और किसका सिलेक्शन गलत है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।